जैन खेन्स, आज जो चैप्टर है कि हम जो तानपुरा की म्यूजिक है, तानपुरा की जो धुन है, उसके ऊपर कैसे हम रियाज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे सुन रहे हैं, ये मेरा मोबाइल में तानपुरा का धुन जो है वो बज रहा है। काफ़ी लोग हैं जिनके पास ना हारमोनियम है ना पियानो है, तानपुरा के धुन के ऊपर वो रियाज कर सकते हैं। तानपुरा जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। पुराने जितने म्यूजिशियन होते थे वो लोग तानपुरा के ऊपर ही रियाज करते थे। तानपुरा में बेसिकली तीन नोट ही बजता है, सा पा सा, या उसको ट्यून करके अलग अलग धुन को बजाते हैं। तो सबसे अच्छा रियाज माना जाता है तानपुरा के धुन के ऊपर, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ सुरों को हम बिना कंपेयर किए कोई म्यूजिक के साथ, बिना कोई सुर के साथ कंपेयर किए हम गाते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि तानपुरा में क्या क्या बजता है। बेसिकली तानपुरा में सा पा सा और सा, माने आपका जो स्केल है उसके नीचे वाला सा, ऊपर वाला सा और बीच वाला पा, कैसे बजता है। पा सा सा पा, इस तरह से बजता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें किसी से सब रियाज करना है, पहले आप क्या करो, सारे गम पाधानिशा को आप अपने स्केल में प्रैक्टिस करो। अगर आप पूरा बिगनर हो, पहली बार संगीत सीखना शुरू कर रहे हो, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप सी शार्प या सी ये स्केल में आप रियाज करें। ठीक है, तो मेरा स्केल के ऊपर जानकारी का एक वीडियो में डाला हुआ हूँ, उसको आप देख सकते हो। उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सा स्केल में गाना गा रहे हो। और सुर साधना का भी एक रियाज है, उसमें मैंने सी शार्प में अलग अलग सुरों को आपको वॉइस का एक्सरसाइज कैसे करना है उसको मैंने सिखाया हूँ, वो वीडियो देखो आप, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा सी शार्प किस स्केल, कौन सा सी शार्प कैसे बजाते हैं। सी शार्प में सारे गम पा धा निसा में आपको एक बार बजा के सुनता हूँ, शुद्ध स्वर जो बजता है जिसमें इसी सुर को आपको बार बार कुछ बार प्रैक्टिस करना, जब तक आपको सही सुर आपका नहीं लग जाए, बिना हारमोनियम बिना पियानो का आप सारेगा पा धा निसा को खुद गा सको। ठीक है, ये पहला स्टेप है आपकी तानपुरा के म्यूजिक के साथ आपको रियाज करना। फिर क्या करो, आप अगर सी शार्प में रियाज कर रहे हो तो सी शार्प की जो सा है उसके सा के साथ अपने सा को आप मिला। सी शार्प की सा जो है वो कौन सा है, हम जो बात कर रहे हैं जो पीछे हमारा बात नहीं वो है सी शार्प की सा। जैसे सा आपको ये ध्यान देना है कि आपकी सा और तानपुरा की सा जैसे मैच हो। ठीक है, फिर आप वहीं से सारे गांव पधन से ऊपर सा तक जाओ और फिर नीचे आओ। कैसे सा रे गा सा, जो पा आता है सा आता है, ऊपर वाला सा नीचे वाला सा आता है, तब तानपुरा के साथ सुर के साथ मेरा वॉइस जैसे मैच कर रहा है, मेरा सुर सही मैच कर रहा है। तो आपको एक अंदाज हो जाएगा कि ऊपर वाला सा मैं गा रहा हूँ, नीचे वाला सा पा गा रहा हूँ, बाकी बीच में जो सुर दूसरे सुर है वो बीच में। फिर आपको क्या करना है, एक बार आकार के में आप एक बार सुर में गए, एक बार फिर आपको आकार में गए, तो उसका रियाज करके मैं बताता हूँ।
प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस है कि आपको सा पा सा की रियाज करो, ठीक है। उससे क्या होगा और आपका तानपुरा में जो है प्रैक्टिस करने का जो एक्सरसाइज है वो और परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्रैक्टिस करें, सा पा सा की नीचे वाला पा जो मंद्र सप्तक की पा है उसको भी आपको गानी है। पहले अपना मध्य सप्तक की सा से शुरू करो, अच्छे से गा लोगे फिर आप दूसरे रियाज वगैरह भी आराम से उसमें कर सकते हो, अलंकार की रियाज या राग की रियाज, तान, अड़प, सब कुछ आप बढ़िया से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।